हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं आ गया हूँ फिर से अपनी नई वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था कि मैं हर संडे लेकर आऊँगा टेक्निकल फैक्ट्स की वीडियो। वेल, चूंकि दिवाली आने वाली है तो बैकग्राउंड में हो सकता है आपको पटाखों की आवाज़ आए, उसके लिए रियली सॉरी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे फैक्ट्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स के बारे में, मेरे नहीं। और मैं आपको बताऊंगा ऐसे फैक्ट्स जो आई एम प्रेटी श्योर कि आपने नहीं सुने होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स बिगिन। दोस्तों जो पहला फैक्ट है, वो है एप्पल को लेकर। दोस्तों आपको पता है कि एप्पल का जो फर्स्ट लोगो था उसने सर इजैक न्यूटन को यूज किया गया था, जो कि एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे और उनके ऊपर एक एप्पल गिर रहा था। पर मुझे समझ नहीं आया कि एप्पल को अपना लोगो बनाने के लिए सर न्यूटन की जरूरत क्यों पड़ी। सीधा सारा एप्पल भी दे सकते थे। और कमाल की बात है, जो एप्पल का अब का लोगो है वो भी आधा खाया हुआ एप्पल है। मुझे लगता है कि सर इजैक न्यूटन एप्पल खाकर उसको वहीं छोड़ गए और उन्होंने उसी का लोगो बना लिया। मैंने बोला था कि बैकग्राउंड में पता नहीं क्या आवाज़ आ रही है, सॉरी। वेल दैट वाज फनी। दोस्तों अगला जो फैक्ट है वो है मिस्टर बिल गेट्स के हाउस के ऊपर। जो बिल गेट्स का हाउस है उसे भी बनाया गया है मैकिंटोश कंप्यूटर का यूज करके। दोस्तों जिनको नहीं पता मैकिंटोश कंप्यूटर क्या होते हैं, मैं उन लोगों को बता दूँ, मैकिंटोश कंप्यूटर यानी कि मैक। और यही हमारा अगला फैक्ट है, जो मैकिंटोश कंप्यूटर है वो पहला GUI पर चलने वाला पर्सनल कंप्यूटर है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसकी जो प्रमोशन की गई थी वो की गई थी सुपर बोल 18 के दौरान, जो कि पहली बार 1984 जनवरी 22 को आया था और इसको 2 दिन के लिए सेल पर भी रखा गया था। दोस्तों जो अगला फैक्ट है वो है CD के ऊपर, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। दोस्तों क्या आपको पता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क जब भी डाटा रीड किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर से, तो इनसाइड टू आउटसाइड किया जाता है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ। बस ये बात शायद आपको पहले नहीं पता होगी। तो चलिए दोस्तों हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है बिटकॉइंस पर। दोस्तों क्या आपको पता है, अगर आप बिटकॉइन एक बार सेंड कर देते हो किसी को और आप ट्रांजेक्शन कर देते हो बिटकॉइन का, तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। वैल ये काफ़ी बड़ा लॉस है, अगर बाई चांस गलती से ट्रांजेक्शन हो गया तो बस हो गया। तो उसको जो अगला फैक्ट है वो है कंप्यूटर यूज़र के ऊपर, आपके और मेरे ऊपर, हम सब के ऊपर जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। उसको जो एक कंप्यूटर यूज़र होता है वो एक मिनट में अपनी आईज को 7 times ब्लिंक करता है, जबकि जो एवरेज लोग होते हैं वो एक मिनट में अपनी आईज को 20 times ब्लिंक करते हैं। तो वह दोस्तों जो कि काफ़ी नुकसानदायक है, मतलब जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनके लिए हमें एटलीस्ट इन अ मिनट 20 times तो ब्लिंक करना ही चाहिए, वरना हमारे आँखों में दर्द शुरू हो सकता है। दोस्तों जो अगला फैक्ट है वो हमारे लिए वो है VCR के ऊपर। दोस्तों जो VCR है, दोस्तों जो पहला VCR बना था वो बना था 1956 में और इसका साइज था एक जाइंट पियानो के बराबर। सोचिए अगर इस VCR को हम किसी टीवी के ऊपर रख देते तो बेचारे को तो दम ही निकल जाता। दोस्तों जो अगला फैक्ट है, वो है टाइपिस्ट के ऊपर। जो टाइपिस्ट होते हैं उनका एक एवरेज दिन में उनकी जो फिंगर्स होती हैं वो 12.2 miles तक ट्रैवल करती हैं एक एवरेज दिन में। और दोस्तों अगला फैक्ट है वो अलार्म क्लॉक के ऊपर है। दोस्तों आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो पहला अलार्म क्लॉक था वो केवल 4 बजे ही बजता था। अगर आपको अलार्म क्लॉक खरीदना था पहले तो आपको 4 बजे उठना पड़ता। आप उठ सकते हो 4 बजे? भाई मुझे इतना, मैं तो नहीं उठ सकता। दोस्तों जो अगला फैक्ट है तो, और दोस्तों आपको पता है 13 November कंप्यूटर सिक्योरिटी डे के नाम से वर्ल्ड वाइड में मनाया जाता है। और दोस्तों अगला फैक्ट है नासा का। नासा ने 2005 में 1 April को ये कहकर लोगों को फूल बनाया था कि उन्होंने मार्स पर पानी की खोज कर ली है। पर नासा जितने बड़े स्पेस स्टेशन ने 1 April पर ऐसा जोक किया, पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन यही सच है दोस्तों। वेल दोस्तों जो अगला फैक्ट है, अगले फैक्ट के मुताबिक जो रेडियो लॉन्च हुए थे
उन्हें 50 मिलियन यूजर बनाने में 38 ईयर्स लगे थे और टीवी को वही 13 ईयर लगे थे 13 साल और आईपॉड को तो और भी कम लगे थे केवल 3 साल 50 मिलियन यूजर बनाने में। वेल इंटरेस्टिंग, अगर आपको पहले ज़माने में फ़ोटो खिंचवाना था ना, जो पहला कैमरा था अगर आपको उससे फ़ोटो खिंचवाना था तो आपको 8 घंटे तक सामने बैठना पड़ता था। कमाल है 8 घंटे तक। दोस्तों अगला पैक एप्पल के ऊपर है, जो एप्पल का सेकंड कंप्यूटर था उसमें केवल 5 मेगाबाइट दिए गए थे। वेल वीडियो पिक्चर्स 5 मेगाबाइट। दोस्तों अगले पैक के मुताबिक यदि हम पेपर से कुछ टेक्स्ट पढ़ते हैं उसके कंपैरिजन में हमें कंप्यूटर से कुछ पढ़ने में 10% ज़्यादा टाइम लगता है, 10% हम स्लो हो जाते हैं एक कंप्यूटर से कुछ पढ़ने में बजाय एक बुक से पढ़ने। दोस्तों आपको बताया लिनक्स का सबसे पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूबंटू है। यूबंटू अफ्रीकन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है आई एम बिकॉज ऑफ यू। सो इंटरेस्टिंग। दोस्तों आपको पता है ब्राउज एंजल बर्ड ने पहला माउस बनाया था 1964 में और वो भी लकड़ी का माउस बना था। जी हाँ पहला। दोस्तों अगला पैक जो एप्पल के ऊपर है आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन जो एप्पल का एप्पल लीजा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जो GUI और माउस के साथ आया था 1983 में। दोस्तों सिर्फ दो टेक्निकल फैक्ट बचे हैं जिसके मुताबिक आपको पता है कि एक टीवी में 1024 GB होते हैं। मुझे ऑलमोस्ट लोगों को यही लगता है कि 1 TB में 1000 GB होते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों असल में 1024 GB होते हैं। और दोस्तों जहाँ तक बात रही टेराबाइट की, आपको पता ही होगा कि टेराबाइट से ऊपर पेराबाइट आता है। दोस्तों 1 TB में 1024 TB होते हैं और 1 TB इतनी अमाउंट है ऑफ डाटा स्टोरेज की कि हम इसमें 13.3 ईयर्स तक HD वीडियोज को सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों 1 TB बहुत बड़ी अमाउंट होती है ऑफ डाटा स्टोरेज की। लास्ट टेक्निकल फैक्ट के ऊपर जो कि मुझे लगता है काफ़ी मजेदार है। दोस्तों आपको बताया जनरली मोस्ट ऑफ 86% पीपल अपने USB डिवाइस को उल्टा लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि होता है ना कि पोर्ट में हम अपनी पेन ड्राइव या डाटा केबल को लगाते हैं, ऑलमोस्ट 87% लोग अपने उस डिवाइस को उल्टा लगाते हैं। पहले दोस्तों मैं तो आज तक कभी उल्टा लगाया नहीं हूँ जहाँ तक मुझे याद है। दोस्तों क्या आपने उल्टा लगाया है आज तक? और दोस्तों मुझे जरूर बताइए कि यहाँ तो फालतू की बातें कोई बढ़ा है आपको बात। दोस्तों सर मैं आगे की शूटिंग में अगले दिन कर रहा हूँ और दोस्तों सर मैं ये वीडियो मुझे संडे को अपलोड करनी थी क्योंकि ये संडे टेक्निकल फैक्ट वीडियो है। असल में मैंने संडे को कहा था लेकिन कल टाइम नहीं मिला मुझे। वेल मैं कह भी कह रहा हूँ मेरे पास तो सब्सक्राइबर ही बहुत कम है। जो भी इतना दिक्कत लोग ये वीडियो को देखें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैंने Xiaomi के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। आई नो कि आपको ये टेक्निकल फैक्ट जानकर जरूर बताया होगा और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे बताए हुए टेक्निकल फैक्ट पढ़े हैं या फिर उन्होंने नहीं पढ़े, तो उन्होंने नए टेक्निकल फैक्ट पढ़े उन्हें पढ़कर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं हर संडे लेकर आता रहूँगा टेक्निकल फैक्ट की वीडियो। वेल हालांकि जो तुमने कल कर दी थी संडे को लेकिन कोई नहीं चलो ठीक है आज मंडे को ही कर देता हूँ मैं। वेल थैंक यू दोस्तों मेरी ये वीडियो देखने के लिए, आई होप आपने तो मजा आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको Xiaomi या Nokia या फिर Pixel 2 के बारे में जानना है तो उसकी वीडियो मिल जाएगी आपको इस चैनल पर। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना अगर ये वीडियो पसंद नहीं आई हो, और अगर पसंद आएगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने रिश्तेदारों को। सबसे बोलना है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर और जो जो आपकी मर्जी हो सब कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।
थैंक यू, हैव अ गुड डे।